सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में भी आप लोगों को हिप हॉप के बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हर बार की तरह पूरा देखना। और कोई भी अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो पहले ही हम लोग बात करेंगे इक्का भाई के बारे में। तो बाली ने एक पोस्ट किया था, आप लोग देख सकते हो, इक्का भाई के साथ बैठा हुआ है और कैप्शन पे लिखा था वी कमिंग टू फ्लेक्स। और इक्का भाई ने भी बाली भाई के साथ फोटो शेयर किया था। तो हम लोगों को बाली भाई के साथ इक्का भाई का कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा और जिस ट्रैक का नाम है फ्लेक्स। तो देखते ट्रैक कब आता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे एमसी हिम के बारे में। तो एमसी हिम ने एक स्टोरी लगा था इंस्टाग्राम पे, आप लोग देख सकते हो, जिसपे कि उसका कोई ट्रैक का रिकॉर्डिंग वगैरह चल रहा है स्टूडियो पे। तो एमसी हिम का एक नया ट्रैक हम लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे रॉप्सी म्यूजिक के बारे में। तो आप लोग जानते हो अभी हिप हॉप सीन में रॉप्सी म्यूजिक, कलमकार, कर्मा और रफ्तार भाई के साथ क्या चल रहा है। तो उसी मैटर को लेकर फिर से रॉप्सी म्यूजिक ने कुछ स्टोरी लगाया था। तो एक स्टोरी पे उन्होंने लिखा, आई कॉल्ड हिम आउट कॉज ही सेड कि तू अपने आप को प्रूफ करके थक चुका है, लोल। दिस कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु वुड डू एनीथिंग फॉर ऑडियंस, लिटरली एनीथिंग, बी इट डिसिंग हनी सिंह, participating in DID or just shaking his dash in front of other celebs. And to his mindless fans, screw you if you can't handle the truth. I don't give a dash about anybody who looks down on other people or artists. If you look closely. और उसके बाद उन्होंने लिखा, I rap cause I love to rap. I am not gonna have anybody tell me otherwise. Believe that. Enough said. और उसके बाद रफ्तार भैया ने भी कुछ स्टोरी लगाया था जो कि कुछ ऐसा था, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद लिखा, When everything fails, Raftar paves the way, hashtag Godschild. और उसके बाद रॉप्सी ने लिखा, Now I know why Honey Singh removed your footage from Dope Show. He still paved the way for you, hashtag Honey's Child. और रॉप्सी म्यूजिक ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसके नीचे मैंस म्यूजिक ने कमेंट करते हुए लिखा था, That's tune and straight facts too. और इसका रिप्लाई देते हुए रॉप्सी ने कहा, Facts all day. और उसके बाद रॉप्सी ने एक स्टोरी लगाया था जिसपे की लिखा था, रिमेम्बर व्हेयर यू कम फ्रॉम, रेस्पेक्ट दिल से होती है, पैर छू की नहीं, स्टॉप गिविंग सबलिमिनल्स। और नीचे लिखा था, स्वैग मेरा दिस इज योर बिगेस्ट हिट टिल डेट, प्रोड्यूस बाय मेंस म्यूजिक। तो आप लोग ये जो सारी स्टोरी है इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। तो उसके बाद हम लोग फिर से बात करेंगे इक्का भाई के बारे में। तो इक्का भाई लाइव आके एमयूए बंटाई कृष्णा और उनका जो नया ट्रैक आया था उसके बारे में कुछ बोला, आप लोग सुन लो। भाई बंताई के साथ हुआ कुछ नहीं भाई, अभी कुछ नहीं है भाई से बातचीत। कृष्णा भाई के साथ गुलाब करना, बिल्कुल भाई के साथ मतलब बना रखा है कुछ, थग संगठन का कुछ आएगा जल्दी। वो सब बोल रहे हैं मंबल है, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता वो मंबल था। सोचा कि मैं उसके जून का गाना बनाऊं, लोग कह रहे हैं कि एमसी स्टैन, मतलब मैंने बहुत कमेंट्स कुछ पढ़े कि कह रहे हैं कॉपी है। इंस्पिरेशन और कॉपी में बहुत फर्क होता है यार, बहुत बहुत ज्यादा। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। और मैंने कभी कोई चीज़ कॉपी करने की सोची नहीं यार, कभी भी जो दिल से निकलता वो गाता हूँ यार। सुबह 7 बजे मैंने सब जानता रिकॉर्ड करा था, मैं शायद उस वाइब में था तो मैंने लिखा और वो गाना रिकॉर्ड करा। बस जो कुछ चीज़ें हैं मैं क्लियर करना चाहता था कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है कि कॉपी है और ये है वो है। नो ब्रो, कॉपी तो हमने स्कूल में नहीं करा कभी किसी को, फेल हो गए बात अलग थी, पर कॉपी नहीं करा कभी, क्योंकि मैं सोचता हूँ नकल कभी भी इंसान को कुछ देती नहीं है। आपकी ओरिजिनलिटी जो रियलिटी है वही आपको आप बनाती है। बहुत सारा प्यार, बाकी बस यही है। तो अभी हम लोग बात करेंगे एमसी स्टैन का एक्स गर्लफ्रेंड किजाशी के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो किजाशी स्टूडियो में है, तो हो सकता है किजाशी का कोई रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है। और कुछ दिन पहले किजाशी ने बताई थी कि एमसी स्टैन के लिए डिस आएगा, तो शायद से उसका ही रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है। तो देखते हैं क्या निकल के आती है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, हरजश का जो नया ट्रैक आने की बात थी टॉक्सिक, वो गाना आ चुका है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे एमयूए बंटाई के बारे में। तो एमयूए बंटाई का जो सॉन्ग आया था मिमैक्स के साथ रिंग रिंग, वो गाना 8 मिलियन व्यूज पार कर चुका है। तो उसको शेयर करते हुए मिमैक्स ने लिखा था वो लेट्स गो, और एमयूए बंटाई को मेंशन करते हुए लिखा था ये जोन में वापस कुछ नया करते है, और एमयूए बंटाई उसी को रीशेयर करते हुए लिखा था लेट्स डू इट ब्रो। तो हो सकता है एमयूए बंटाई का मिमैक्स के साथ हम लोगों को जल्दी कुछ नया देखने को मिल जाए। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बादशाह के बारे में। तो आप लोग जानते हो बादशाह का नया एल्बम आने वाला है। तो बादशाह का एक फैन पेज एक पोस्ट किया था, आप लोग देख सकते हो, जिसमें कि बादशाह एक हुडी पहना हुआ है और जिसके
हाथ पे लिखा है रेट्रो पंडा। तो ये पेज बेसिकली ये बता रहा है कि उसका आने वाला एल्बम का शॉर्ट फॉर्म भी आरपी था, तो हो सकता है बादशाह का एल्बम का नाम रेट्रो पांडा हो। तो इसके बारे में तो अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बादशाह की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आते ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।